हाँ तो गाइस, हाउ टू एडिट फैक्ट वीडियोस। अगर आप भी फैक्ट वीडियोस बनाते हो या बनाना चाहते हो तो आपको अच्छी एडिटिंग आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जितनी भी वायरल फैक्ट वीडियोस देखते हो ना, वो वीडियो वायरल होने का बस एक ही रीजन है, उस वीडियोस की अच्छी एडिटिंग और उसकी वॉइस ओवर। अगर आप भी अपनी वीडियो को अच्छी तरह से एडिट करते हो और अच्छी तरह से वॉइस ओवर करते हो तो आपकी भी वीडियो 100% वायरल होगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वीडियो को अच्छी एडिट कैसे करें, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आप भी बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाओगे कि फैक्ट वीडियोस को कैसे एडिट करते हैं। अगर आप वीडियो को जरा सा भी स्किप कर देते हो ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर आप YouTube पर देखते रह जाओगे कि फैक्ट वीडियोस को कैसे एडिट करते हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, आप अपनी फैक्ट वीडियोस को अच्छी तरह से एडिट करना सीख जाओगे। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो है कलरफुल कैप्शन टेक्स्ट। तो अब आप लोग कहोगे कि ये क्या है, तो इसका मतलब है कि आप वीडियो के ऊपर में कलरफुल टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हो। अब आप एग्जांपल के लिए ये सब देख सकते हो। एंड अब जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है वीडियो मूवमेंट। तो इसका मतलब ये है कि आप वीडियो को कैसे मूवमेंट दिला सकते हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। एंड जो हमारा तीसरा सबसे बेस्ट पार्ट है वो है वीडियो ट्रांजिशन। अगर आप वीडियो में ट्रांजिशन लगाते हो ना तो आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है एंड बहुत ही प्रोफेशनल लगती है। तो यार आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, कलरफुल कैप्शन के लिए हम पिक्सल ऐप का यूज करने वाले हैं। तो इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले इसे ओपन करने के बाद ये जो आपको न्यू टेक्स्ट है इसे आपको डिलीट कर लेना है। एंड अब आप टेक्स्ट में जाके आप वो चीज लिखो जो आप कैप्शन में लिखना चाहते हो। एंड हाँ, याद रहे कि कैप्शन थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं लिख लेता हूं कैरी नाटी मंथली कितना कमाते हैं। लिखने के बाद अब आप इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना। पूरी तरह से एडजस्ट करने के बाद अब आपको बैकग्राउंड में जाना है। इसे इनेबल करके आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बढ़ा देना। एंड यहीं से आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं अभी येलो सेलेक्ट कर रहा हूं। इतना कुछ करने के बाद अब आपको कलर में जाना है। एंड वहां जाने के बाद आपको सबसे पहले तो ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। एंड अब आप नीचे जिस भी पॉइंट को आप अदर कलर करना चाहते हो उस कलर को सेलेक्ट कर लेना। ऐसे ही आप दूसरे वर्ड को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेना। इतना कुछ करने के बाद अब आपको इस इमेज को ट्रांसपेरेंट कर देना है। एंड अब आप 3 डॉट में जाकर इसे एक्सपोर्ट इमेज में क्लिक कर देना एंड इसे अल्ट्रा में सेव कर लेना। अब ये पीएनजी तुम्हारे गैलरी में सेव हो जाएगा। पार्ट 2, इसका एडिटिंग के लिए हम काइंड मास्टर ऐप का यूज करने वाले हैं। तो पहले इसे ओपन करने के बाद रेशियो सेलेक्ट कर लेना। अब जैसे कि आप शॉर्ट वीडियो के लिए 9:16 वाला भी रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं अभी 1:1 का रेशियो सेलेक्ट कर रहा हूं। आप दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको उन क्लिप्स को उठाना है जिनके बारे में आप वीडियो बना रहे हो। अब जैसे कि मैं कैरी नटी के ऊपर बना रहा हूं, तो मैं कैरी नटी की जितनी भी फोटोज एंड वीडियोस है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो अब आती है मेन पॉइंट वीडियो मूवमेंट की। आप थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको सब चीज समझ में आ जाए। हां तो गाइस, अब आप पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको स्टार्ट पोजीशन पर क्लिक करना है एंड फोटो को जूम करके कुछ इस तरह से राइट साइड में कर लेना है। एंड उसके बाद आप एंड पोजीशन पर क्लिक करके फोटो को जूम करके उसे लेफ्ट साइड में कर लेना है। अब इतना कुछ करने के बाद आपको फोटो की लेंथ थोड़ी कम कर देनी है। अब यही चीज आपको दूसरे वाले क्लिप के साथ भी करना है, बट थोड़ा सा वहां पर अलग है। इस बार स्टार्ट पोजीशन पर क्लिक करके फोटो को लेफ्ट साइड में करना है एंड एंड पोजीशन को राइट साइड में करना है। अब इसका भी लेंथ को थोड़ा कम करके आप वीडियो को प्ले करके देखो, आपकी वीडियो पूरी तरह से मूवमेंट करने लगेगी, जिससे क्या होगा कि वीडियो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल दिखने लगता है। गाइस, पार्ट 3 से पहले तुम एक काम कर लो, लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर जाके तुम उस पीएनजी को सेलेक्ट करो जिस पीएनजी को तुमने पिक्सल लैब से सेव किया था, मतलब कि वो कलरफुल कैप्शन। अब इस कैप्शन को आप अपनी तरह से वीडियो के सबसे टॉप में कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। ध्यान रहे टेक्स्ट प्रॉपरली दिखना चाहिए। अब इतना कुछ करने के बाद हम पार्ट 3 पर चलते हैं। वीडियो में ट्रांजिशन देने के लिए आप इस प्लस वाले चिन्ह पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद मैं आपको 3 ट्रांजिशन सजेस्ट करता हूं। उन तीनों ट्रांजिशन को देख लो एंड डाउनलोड करके उन्हीं तीनों को लगा देना। डाउनलोड करना बहुत ही इजी है, यहां पर क्लिक करके आप उन ट्रांजिशन को सर्च कर लेना। शेक इट, स्लॉट रोल एंड जूम स्लाइड वाला ट्रांजिशन लगा देना। सारा ट्रांजिशन लगाने के बाद आप अपने हिसाब से जितने भी क्लिप्स हैं उन क्लिप्स का लेंथ बड़ा या छोटा कर लेना। बस इतना याद रखना कि एक क्लिप का मूवमेंट बहुत ही स्पीड भी ना हो और बहुत ही ज्यादा स्लो भी ना हो। और अब आप म्यूजिक में जाके उस वॉइस को सेलेक्ट कर लेना जिस वॉइस को आपने रिकॉर्ड किया है। आप वॉइस को वीडियो के सबसे पहले में भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हो, इससे कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। और सारा एडिटिंग करने के बाद आप वीडियो को एक बार प्ले करके देखना, आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी एंड प्रोफेशनल बन जाएगी। आई होप गाइस आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।